अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोफिन दफा और आप लोग देख रहे हैं VSSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे आपके जो सब्जेक्ट मुश्किल हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, HTML है, जावा है, वेब डिवेलपमेंट है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सब के मैंने अपने लेक्चर रिकॉर्डेड किए हैं और उस चैनल के ऊपर मैंने वो सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उस चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनसे फ़ायदा उठाइए और सीखिए। दोस्तों, मैंने ये जो 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, इस चैनल को बनाने का भी यही मकसद है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं। तो आप लोग इस चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, इस वीडियो के एंड पर भी दिया गया है, और मैं भी बता देता हूँ www.youtube.com/teachersonlineforyou। आप इस पर जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसे सीख सकें। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, ये CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमारा एक सब्जेक्ट है, जिसकी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है, उस हवाले से है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं ये बात भी बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए हैं कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है, चाहे वो GDB से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको क्विज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड हो, तो आप उनको एज एन आइडिया ही कंसिडर किया करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दोस्तों, इसमें हमें दिया गया है दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू नो अबाउट द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिस्टम, देन विच कमांड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हम कौन सी कमांड यूज करेंगे अगर हम अपने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं। ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द कमांड टू गैदर द IP एंड MAC एड्रेस ऑफ योर PC, कि आप अपने PC का MAC एड्रेस कैसे हासिल करेंगे और IP एड्रेस कैसे करेंगे ऑफ योर लैपटॉप या PC, एंड पेस्ट द रिलेटेड स्क्रीनशॉट आउटपुट। और उसने हमें स्क्रीनशॉट भी एक दिखाई थी, उससे रिलेटेड आपने एक आउटपुट पेस्ट करनी है स्क्रीनशॉट लेके। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू मेक अ नेटवर्क ऑफ 100 कंप्यूटर्स इन 2 सेगमेंट कंटेनिंग द सेगमेंट ए विद 65 कंप्यूटर इन सेगमेंट बी 35 कंप्यूटर लोकेटेड इन अ बिल्डिंग। कंसीडरिंग दिस सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच डिवाइस विल यूज टू कनेक्ट दीज 2 सेगमेंट। कौन सी डिवाइस यूज करेंगे हम इन दोनों सेगमेंट्स को मिलाने के लिए। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इन 1 सेगमेंट। कौन सी डिवाइस हम यूज करेंगे अगर हम उनको एक सेगमेंट के ऊपर लेकर आते हैं। विच डिवाइस विल यूज टू कनेक्ट द फेड लैन एंड वैन। कौन सी हम डिवाइस यूज करेंगे लैन और वैन को कनेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी कनेक्शन नीडेड फॉर सेगमेंट बी इफ देयर इज डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। विच कमांड कैन बी यूज्ड बाय द नेटवर्क एडमिन टू चेक द रिमोट कंप्यूटर वेदर द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्ड आर नॉट, कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पे मैंने कमांड्स लिख दी हैं। मैं ये आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूं और उसके बाद फिर ये लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा कि हमने करना क्या है। स्टार्ट पे बटन के पे क्लिक करना है, रन पे जाना है, CMD लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे एक शक्ल दी गई है, आपने CD डबल डॉट लगा के सबसे पहले उन डायरेक्टरी से बाहर आ जाना है, फिर MD लगाकर आपने अपने ID के साथ एक डायरेक्टरी लगानी है। और क्वेश्चन में भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपका जो स्क्रीन शॉट है उसके अंदर आपका अगर अपना ID नहीं होगा तो आपकी वो असाइनमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए MD हम लोग यूज करते हैं, अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD यूज करते हैं। IP कॉन्फिग ऑल के जरिए हम जो है अपना MAC एड्रेस गेट करेंगे और IP एड्रेस गेट करेंगे।
अब ये करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको करने में कोई मसला ना हो। आप लोग स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप रन पे क्लिक करेंगे या विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट जो प्रोग्राम है उसका ये समझ लें कि एक सी एम डी जो शॉर्ट वर्ड है वो आपने टाइप करना है और ओके के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जब हमने ओके के बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक ब्लैक सी स्क्रीन आ गई जिसमें ये सी कॉलन यूजर और राइट लिखा हुआ। अब देखें जैसे आपको यहाँ पे ये लिखी हुई नजर आ रही ही है वैसे ही आपने करना है सी डी डबल डॉट। आप जब लिखेंगे तो देखें हम जो राइट वाली डायरेक्टरी थी उससे बाहर आ गए और जो सी डी है सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद हम एक और सी डी लगाते हैं मतलब चेंज डायरेक्टरी और एंटर करते हैं डबल डॉट के बाद तो इसका मतलब यह है कि हम यूजर्स वाली जो डायरेक्टरी है उससे भी बाहर आ गए। मैं क्या करता हूँ हम एक ड्राइव के अंदर जाते हैं और वहां पे अपना जो हमारा आई डी है वी यू स्टूडेंट वी यू वाला उसके जरिए हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं और कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद करते हैं एंटर। अब हम देखें पहले हम सी डायरेक्टरी के अंदर थे और अब जो है हम डी डायरेक्टरी के अंदर है। इस डायरेक्टरी के अंदर जो है मैं अपने आईडी से एक फोल्डर बनाता हूँ। अब फोल्डर बनाने के लिए हम लोग एमडी है स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी कि आप एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं एक फोल्डर बनाना चाहते हैं। कहां पे बनाना चाहते हैं वो हमने ऑलरेडी ड्राइव सेलेक्ट की हुई है। अब यहां पे आपने लिखना है अपना आईडी। आईडी कैसे, जैसे मैं अपना यहां पे लिख देता हूं MF1504008857। ये आईडी लिखने के बाद आपने क्या करना है एंटर। अब ये डायरेक्टरी बन गई है। अगर आप इस डायरेक्टरी को चेक करना चाहते हैं कि ये बनी है या नहीं तो आप डायर की कमांड यूज करके इसको चेक भी कर सकते हो। मैं फॉर द टाइम बीइंग चेक नहीं कर रहा, आप लोग डी आई आर लिखें और एंटर करें और चेक कर लें कि आपकी वो डायरेक्टरी बनी है या नहीं। मैं डायरेक्टली उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूं और वहां पे जो है हम लोग अपनी कमांड को परफॉर्म करेंगे जिसके जरिए हम आईपी एड्रेस गेट करेंगे और मैक एड्रेस गेट करेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं cd, वही अपनी डायरेक्टरी का नाम जिसमें हम जा रहे हैं। cd से मुराद चेंज डायरेक्टरी है। जब हम cd डालकर दो डॉट लगाते हैं तो हम उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। जब हम cd और उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। तो यहां पे मैंने अपना आईडी MF1504008857 लिखा, एंटर किया। अब देखें हम डी के बाद कॉलन फ्लैश और फिर वो डायरेक्टरी का नाम आ गया। अब हम उस मुतलका डायरेक्टरी के अंदर है मतलब उस फोल्डर के अंदर है। जब कंप्यूटर दोस्तों बना था तो उस वक्त यही डॉस यूज होती थी और उसके अंदर ऐसे ही फाइलें क्रिएट की जाती थी और फिर डायरेक्टरीज क्रिएट की जाती। यहां पे आने के बाद हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि हमने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस गेट करना है और मैक एड्रेस। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लिखते हैं आईपी और फिर लिखते हैं कॉन्फिग। कॉन्फिग लिखने के बाद हम बैक फ्लैश डालते हैं, एक फ्लैश फ्लैश डालने के बाद ऑल ये लिखने के बाद आपने करना है एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो आप देखें आपके सामने ये एक इंफॉर्मेशन आ गई जिसमें आपकी विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसमें हमने जो है देखना है हमारा, देखें फिजिकल एड्रेस जो है ये है। इसमें अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की तो ये देखें आईपी वर्जन 4 जिसके साथ लिखा हुआ है तो ये हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो हमें दोनों चीजें मिल गई, मैक एड्रेस भी और आईपी एड्रेस भी। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जहां से ये कमांड शुरू की हैं वो वाली जगह मतलब आप एक इमेज ये ऊपर वाला ले लें और एक जिसके ऊपर आपका ये जो नीचे मैक एड्रेस आया है और दूसरा आपका आईपी एड्रेस आया है आप एक इमेज इस विंडो का लेके वर्ल्ड की फाइल ओपन करें उसके अंदर पेस्ट कर लें। ये इस तरीके से तो दोस्तों हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की। देखें उसके लिए मैंने ये एक टेबल बनाया। देखें हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया कौन सी डिवाइसेस का मोस्टली पूछा गया हर एक के अंदर मां सिवाय लास्ट वाली दो को छोड़कर। तो जो फर्स्ट वाली है
उसके लिए हम लोग ब्रिज यूज कर सकते हैं। ब्रिज जो है वो बेसिकली जब आपके पास दो सेगमेंट हो, मतलब दो नेटवर्क्स हो, आपने उनको आपस में कनेक्ट करना हो, एक नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर है, दूसरा नेटवर्क दूसरी बिल्डिंग के अंदर है, तो हम लोग ब्रिज यूज करके उन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमने यूज किया डिवाइस वो है स्विच डिवाइस। अब स्विच डिवाइस क्या है? स्विच डिवाइस जो है बेसिकली इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इन वन सेगमेंट। वन सेगमेंट से मुराद ये है कि जब आपके कंप्यूटर्स जो हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और नाउ यू हैव टू रिक्वायर टू कनेक्ट ईच देम, आपने उन सबको कनेक्ट करना है, तो यू कैन यूज स्विच और हब। हब भी यूज कर सकते हैं, स्विच भी। अब यहाँ पे मैंने स्विच लिखा है, अब हम जो स्विच है दिस इज मोस्ट मोर इंटेलिजेंट देन द हब, वो हब से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने यहाँ पे स्विच लिख दिया। आप लोग हब भी यूज कर सकते हो। अब हब के अंदर लिमिटेड पोर्ट्स होती हैं। अब जो हमें गिवन केस हमें दिया गया उसके अंदर 100 कंप्यूटर हैं जिनको हमने कनेक्ट करना है इन अ वन सेगमेंट, तो फॉर दैट्स व्हाई वी हैव यूज द स्विच डिवाइस, मैंने स्विच डिवाइस यूज की है। अब आ गई बात एक थर्ड डिवाइस की, फीजूव की, जिसमें मैंने लिखा है जी राउटर। राउटर क्या है? राउटर इज यूज टू कनेक्ट द लैन एंड वैन। मतलब राउटर हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो एग्जिस्टिंग वहां पे चल रहा हो, और दूसरा वैन जो दूसरी किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर चल रहा हो, मतलब वैन वाइड एरिया नेटवर्क को हमने कनेक्ट करना है, तो हम लोग राउटर यूज करते हैं। अब जो दूसरी लोकेशन है वो आपका एक दूसरा गांव भी हो सकता है, आपका एक दूसरा सिटी भी हो सकता है, आपका एक दूसरा कंट्री भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग राउटर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें कितने लिंक्स या कनेक्शन रिक्वायर्ड होंगे फॉर कनेक्टिंग टू सेगमेंट बी सेगमेंट कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं जी 595 कनेक्शन हमें रिक्वायर्ड होंगे। मैं मतलब जो इस क्वेश्चन से समझाऊँ वो यही है कि हाउ मच कनेक्शन रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द बी सेगमेंट। अब बी सेगमेंट के जो है कितने, वो मैंने 595, और नीचे मैंने इसकी कैलकुलेशन भी दिखा दी है, वो ये है कि एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर कनेक्शंस का या लिंक्स का क्वेश्चन है तो फिर तो यही फॉर्मूला यूज होगा, आप एक बार इसको इंश्योर भी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही यूज होता है। तो यहाँ पे 35 जो है हमारे नोड्स हैं, एन इंटू 35 माइनस वन आ गया डिवाइडेड बाय टू, फिर हमने किया 35 इंटू 34 डिवाइडेड बाय टू, 35 इंटू 17 आ गया, और ये टोटल हमारे पास 595 कनेक्शन बन गए जो हमें रिक्वायर्ड हैं टू कनेक्ट द 35 कंप्यूटर्स। उसके बाद लास्ट जो थिंग थी वो थी कि कौन सी कमांड आप यूज करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक कंप्यूटर जो है वो लाइव है या रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग पिंग की कमांड यूज करते हैं। पिंग की कमांड यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि वो कंप्यूटर लाइव है या नहीं है, और टू चेक द रिमोट कंप्यूटर वेदर द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्ड और नॉट। ये मैं आपको यूज करके भी दिखा देता हूं। आप लोग वही दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, और स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद रन पे जाएंगे, सीएमडी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो वीयू की वेबसाइट है या जो वो कंप्यूटर है वो इस वक्त लाइव है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पिंग, और लिखेंगे आगे www.vu.edu.pk। एंटर किया तो यहाँ पे देखें ये पिंग जो है, जब आपके पास ये रिप्लाई उसका आईपी एड्रेस ऐसे आ रहा हो और इसमें बाइट फॉर टाइम सेकंड और टीटीएल और आगे ये इस तरह का, मतलब अगर आपके पास फिगर आ रहा तो इट मींस कि ये कंप्यूटर चल रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाए रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका वो कंप्यूटर जो है नेटवर्क के ऊपर वो ऑफ है। तो इस कमांड के जरिए, ये जो हमने पिंग कमांड यूज की है, इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर लाइव है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये जो असाइनमेंट है CS610 की वो कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप सारे दोस्तों को ये समझ आ गई होगी कंप्यूटर नेटवर्क की जो हमारी असाइनमेंट आई है। आखिर में दोस्तों मैं फिर एक बार कहूंगा, आप URL टाइप कीजिए www.youtube.com/teachersonlineforyou, वहां पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल को भी प्रमोट कीजिए। वहां पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके CS101 से रिलेटेड, MGT101 से रिलेटेड, CS201 से रिलेटेड, MGT201 से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, और बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों
मिलते हैं अगली किसी एक असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ, या जीडीबी के सॉल्यूशन के साथ, या क्विज के सॉल्यूशन तक. उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.